नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो जैसे आप देख सकते हो ये फार्म ट्रैक 60 हॉर्स पावर है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में रिव्यू देंगे और इसकी जानकारी देंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना भी लगे तो भी लाइक कर देना प्लीज़। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा देना ऑल पर क्लिक करके, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगर आपको इसकी डिटेल में रिव्यू देखना हो तो अपने चैनल में जाकर के नीचे देख लेना 60-55 फार्म ट्रैक की, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है इस मॉडल की भी, जिसका सिलेंसर बाहर आया, जिसका सिलेंसर बीच में था, दो हिस्से में आता था बोनट, सिंगल पीस है तो उसकी भी मैंने बना रखी है। यानी तो ये प्रो मॉडल में आता है, क्लासिक प्रो 320 गियर बॉक्स के साथ। तो आप वीडियो को उस वाले को देखना जरूर, वीडियो अच्छी लगेगी आपको, जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, दोपहर में आदमी आते हैं। तो हमारे साथ जो किसान भाई हैं इनका हम रिव्यू करेंगे, इनके बारे में हम थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे, इनके हमसे जानकारी लेंगे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई है। तो आइए भैया, नमस्कार आपका हमारे चैनल पर, थोड़ा ट्रैक्टर के पास आकर जानकारी दीजिए। तो भैया अपने ट्रैक्टर चलाते हो, कितने फुट रोटावेटर पर चला रहे हो? 8 फुट। कितने घंटे का डीजल ले जा? सवा छः तक, 5 लीटर तक लेता है। वैसे आप कितना लोड डालो, डीजल का खपत वही रहती है अपनी। कितना लोड डाल लो, कैसे चलाओ? अच्छा, तो आप इससे क्या क्या चीज चला रहे फिलहाल? मैंने फिलहाल रोटर चलाया इससे, मंजा चलाया। अच्छा, और वैसे लेजर चलाता हूँ 5 का। सब बड़े खेच करता है, बढ़िया खेच करता है। क्या मॉडल है ये? मॉडल 2019 मॉडल है। हाँ, तो कितना पड़ेगा उस दौरान लगभग आपको? 7,90,000 रुपये का। टॉप मॉडल है इसकी? टॉप मॉडल है, डबल क्लिच के साथ आता है ट्रैक्टरी वाला। तो इसका जरा एक मिनट बोनट खोलना, इसका बोनट का एक स्विच दे दिया, पूरा सिंगल पीस बोनट कर दिया, बीचों बीच ठेगा। डबल सिलेंडर के साथ आता है, देख सकते हो इसकी सर्विस और इसकी मेंटेनेंस रख रखाव में भी थोड़ा बेनिफिट होता है। इसका इंजन 3500 cc का EPR इंजन आता है इसका, तुमने देख सकते हो कम खर्चे का ट्रैक्टर आता है इसका। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आपको देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। उसमें ड्राई टाप एक लिंग आता है, देख सकते हो यहाँ पर 2 स्टेज मारता है, इसमें पूरी डिटेल में दिखा रखा आपको। और इसकी जो पावर स्टीयरिंग 100 लीटर की लगभग अलग से मिल जाती है, और 4 गियर फॉरवर्ड और 1 गियर रिवर्स के साथ आता है। टोटल मिला के अगर इसके हाई लो के साथ लगा के देखते हैं तो 320 गियर बॉक्स के साथ आता है, क्योंकि इसमें एक गियर चाल अलग होती है। तो इसमें दिख रखा है एक स्पेशल में 320 गियर बॉक्स के साथ स्पीड। थोड़ा बंद कर दीजिए सर। इसमें इनलाइन 4 सिलेंडर पंप आता है बॉस का, क्योंकि 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर की खैचर पावर बहुत बढ़िया है। और डिलक्स सीट के साथ ट्रैक्टर आता है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सेट कर सकते हो। और उसका ऊंचा पायदान मिलता है, अकेले तो काफ़ी ज़्यादा जानदार ट्रैक्टर है। तो थोड़ा एक मैं स्टार्ट करके बड़े घुमा देना थोड़ा सा, इसकी आवाज़ भी सुन लेंगे। तो इस ट्रैक्टर कोई बात नहीं, तो मैं इतना आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ इतना कि ये भाई थोड़ा सा कोई पिनियन सेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रैक्टर में 1 गियर रिवर्स और 4 गियर फॉरवर्ड आते हैं। हाई लो का पहली तरफ हो गया, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा होगा। एक हाई लो इधर की तरफ आता है, जो कि इसका और भी स्पीड को अलग तरीके से चला देता है, ठीक है ना। और इस गियर में मल्टी स्पीड पी टी आती है, अलग अलग स्पीड में आप चला सकते हो। देखना मैं स्पीड की पी टी अलग अलग दिखाऊंगा, पहले भैया इसकी ठाकर के स्पीड की पी टी दिखा देना अलग अलग। स्पीड तो निकाल दिया, निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं, बस इसकी आवाज़ दिखा दो। मैं आपको उसकी पी टी दिखा देता हूँ फिर भी। तो ट्रैक्टर की आवाज़ देखो तो आवाज़ कितनी शानदार है ट्रैक्टर की। और इन ट्रैक्टरों में फार्म ट्रैक में आई केयर बटन आ गया इस टाइम पर। आई केयर बटन का फ़ायदा क्या होता है, आप अगर ट्रैक्टर में कोई कमी होती है तो एक बटन प्रेस कर दीजिए और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके घर इंजीनियर चला जाएगा, वहीं सर्विस होगी। 500 घंटे पर ट्रैक्टर फार्म ट्रैक सर्विस करता है ट्रैक्टर की, क्योंकि ये फुल सिंथेटिक तेल डालते हैं। तो 500 घंटे पर होती है, सब ट्रैक्टर की 350 घंटे पर होती है, इनकी 500 घंटे पर होती है। इस टायर इसमें इन्होंने जो टायर लिया है 14/28 के लिए इसमें, जबकि 16/28 का भी ऑप्शन आता है। पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है जिसमें बैलेंस पावर स्टीयरिंग आता है, दोनों साइड रोड चलती है। ये 100% सबसे अच्छा पावर स्टीयरिंग होता है। 17-16 टायर आते हैं इसमें आगे वाले, और पीछे वाले 14/28 के टायर आते हैं, आप देख सकते हो। भाई कह रहा है कि अभी मैं भाड़े काम कम करता हूँ, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, भाई काम है नौकरी का है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे घुमा दो थोड़ा सा, बस इसे एक मिनट। अच्छे हट रहा हो, चलो ठीक है। इसमें 2 एक्सिलरी वाल्व भी आते हैं और इसमें EPS सिस्टम आता है। तो एक मिनट एक्सीलेट करना थोड़ी सी, कितने घंटे चला हुआ? 260। अभी 260 घंटे चला बस, छोड़ दें।
तो ट्रैक्टर की आवाज़ सुनिए आपने, ट्रैक्टर कैसा लगा आपको और क्वालिटी कैसी लगती है आपको, जिसके पास फार्म ट्रैक है वो कमेंट में मुझे बताना ट्रैक्टर उनके पास कैसा चल रहा है, कैसा उन्हें लगता है तो कमेंट में मुझे बताकर जरूर चलना। मैं आपको ट्रैक्टर कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़, और लाइक जरूर कर देना प्लीज़। मैं आपके लिए लाइक के रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लाइक नहीं करते तो यूट्यूब को लगता है कि 10 वीडियो देखने के बाद अगर किसी ने भी लाइक नहीं की तो यूट्यूब समझता है कि वीडियो अच्छी नहीं है, तो उसे आगे प्रमोट नहीं करता, आगे किसी को देखने लायक नहीं छोड़ता, कोई देख नहीं पाता। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर ही बात हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल का आप मेम्बर का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और प्लस कर देना बेल आइकन को और ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।